उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी। क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुखबिर बनी कंगना रनौत ने किया बड़ा ऐलान। जी हां, जब से कंगना रनौत का मुंबई में घर और ऑफिस तोड़ दिया गया महाराष्ट्र की सरकार के फैसले के बाद, तो वही अब एक बार फिर से कंगना रनौत ने शेरनी पर दिया जवाब। जी हां, कंगना रनौत ने कहा कि यहां पर उद्धव ठाकरे चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन उद्धव ठाकरे ने मेरे साथ जो किया है उसे इसकी भरपाई जरूर करनी होगी और उसे इस बात का सबक खुद कंगना रनौत सिखाएगी। अच्छा हुआ ये सारी चीजें कंगना रनौत के साथ हुई है, क्योंकि ये सारी चीजें कंगना रनौत के जिंदगी में काफी मायने रखती है। और अब कंगना रनौत उद्धव ठाकरे को बताएगी कि आखिर कंगना रनौत कौन है। जी हाँ, कंगना रनौत ने एक वीडियो बनाकर सरेआम महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को दे दी धमकी, चुनौती दे दी है और कहा है कि वो किसी से डरती नहीं है, जिसे जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले, लेकिन जो सत्य है वो सत्य रहेगा और जो गलत है वो गलत रहेगा। ये वीडियो आप हमारे इस रिपोर्ट में भी देख पा रहे होंगे, जहां पर कंगना रनौत ने एक निजर और शेरनी की तरह, एक झांसी की रानी की तरह जवाब देती हुई नजर आई है। नेक्स्ट नाइन लाइव, रजनी की रिपोर्ट।